हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस सेशन ऑन पोइट्री टुडे इन दिस सेशन वी विल टॉक अबाउट अ फेमस पोएम द हेवन ऑफ फ्रीडम रिटन बाय अ वेल नोन इंडियन पोइट रविंद्रनाथ टेगोर स्टूडेंट्स आज इस सेशन में हम भारत के जाने माने कवि रविंद्रनाथ टेगोर के द्वारा लिखी गई एक फेमस पोएम द हेवन ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे हमारा आज का डिस्कशन चार भागों में रहेगा इन द फर्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट द टेक्स्ट बुक विच इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर योर सिलेबस इन द सेकेंड पार्ट वी हैव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन विद रबिंद्र नाथ टेगोर देन इन द थर्ड पार्ट वी विल ब्रीफली डिस्कस द टाइटल द बैकग्राउंड एंड द थीम ऑफ दिस पोएम द हेवन ऑफ फ्रीडम एंड इन द फोर्थ पार्ट वी विल हैव ए डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट थ्री लाइन्स ऑफ दिस पोएम तो इस तरह से आज का सेशन चार पार्ट्स में बंटा रहेगा पहले सेशन में हम आपके सिलेबस में यूनिवर्सिटी यु, द्वारा जो टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब की गई है उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे उसके बाद हम रविंद्रनाथ टेगोर से का ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा और तीसरे भाग में इस पोएम द हेवन ऑफ फ्रीडम के टाइटल के बारे में इसके बैकग्राउंड के बारे में इसकी सेटिंग के बारे में और थीम के बारे में ब्रीफ डिस्कशन रहेगा और फोर्थ पार्ट में हम इस पोएम की फर्स्ट थ्री लाइंस का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे सो लेट्स बिगिन विद द टेक्स्ट बुक फर्स्ट स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा दिस इज़ द टेक्स्ट बुक एमरो विच इज़ प्रस्क्राइब्ड बाई महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर फॉर जनरल इंग्लिश एंड दिस बुक इज़ डिवाइडेड इंटू टू सेक्शंस द सेक्शन टू डील्स विद ग्रामर जिसके बारे में हम डिटेल में बात हमारे जो सलेबस पे सेशन था उसमें कर चुके हैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल है इस बुक का सेक्शन वन सेक्शन वन जो है वो चार भागों में बंटा हुआ है फर्स्ट देर इज़ प्रोज प्रोज में आपको चार प्रोज एक्सट्रैक्ट्स पढ़ने हैं देन नंबर टू देर आर टू शॉर्ट स्टोरीज दो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं नंबर थ्री वन वन एक्ट प्ले है और जो फोर्थ पार्ट है इस सेक्शन वन का वो पोइट्री से रिलेटेड है इसमें तीन पोएम्स हैं आपके सिलेबस में और आपको अभी हम आज के सेशन में जिस पोएम की बात करेंगे वो है द वेरी फर्स्ट पोएम द हेवन ऑफ फ्रीडम जिसे जिस इस पोएम का टाइटल वेयर द माइंड इज विदाउट फियर भी कई कलेक्शंस में दिया जाता है जो कि इस पोएम की पहली लाइन है तो अब हम आज की इस पोएम पे चर्चा शुरू करते हैं सो लेट्स बिगिन विद ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द पोएट रबिंद्रनाथ टेगोर स्टूडेंट्स रविंद्रनाथ टेगोर इज ए फेमस बेंगाली पोएट राइटर कंपोजर फिलासफर एंड पेंटर इन ब्रीफ वी कैन से दैट ही इज ए मल्टी फैसेटेड राइटर एंड आर्टिस्ट स्टूडेंट्स रविंद्रनाथ टेगोर बेंगाल के एक प्रसिद्ध कवि लेखक गीतकार दार्शनिक और चित्रकार हुए हैं जैसा कि हम सब का पहला परिचय रविंद्रनाथ टैगोर से है हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अवर नेशनल एंथम जनगण मन इज टेगोर्स कंपोजिशन एंड द अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट टेगोर एज ए पोएट इज दैट टेगोर एज ए राइटर इज दैट दैट हिज कलेक्शन गीतांजलि इज ए वेल नोन कलेक्शन ऑफ पोएम्स रविंद्रनाथ टेगोर का कविता संग्रह गीतांजली बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह है एंड इन 1913 टेगोर वाज अवार्डेड विथ द प्रेस्टिजियस नोबल प्राइज इन लिटरेचर फॉर गीतांजलि गीतांजलि के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टेगोर को बहुत ही प्रतिष्ठित नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और नोबल प्राइज़ लेने वाले वो पहले भारतीय थे अब हम हमारे सिलेबस में जो पोएम है उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि ये जो पोएम है दिस इज आल्सो टेकन फ्रॉम गीतांजलि। स्टूडेंट्स दिस पोएम द हेवन ऑफ फ्रीडम वाज़ ओरिजिनली टाइटल्ड प्रार्थना व्हेन पब्लिश्ड इन टेगोर्स 1901 हंड्रेड कलेक्शन ने स्टूडेंट्स ये पोएम 1901 में टेगोर के बंगला पोएम्स के कलेक्शन नैबेद्य में पब्लिश हुई थी और इसका ओरिजिनल टाइटल प्रार्थना था लेटर ऑन इट वाज इंक्लूडेड इन गीतांजलि विच वाज पब्लिश्ड इन 1910 स्टूडेंट्स गीतांजलि जो है वो भी ओरिजिनली बंगला भाषा में टैगोर द्वारा लिखी गई और वो 1910 में पब्लिश हुई थी और उसमें इस पोएम को भी शामिल किया गया उसके बाद टू इयर्स लेटर इन 1912 हंड्रेड एंड ट्वेल्व टेगोर्स ओन ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश ऑफ गीतांजलि इन टू इंग्लिश वॉज ब्रॉट आउट बाय द इंडियन सोसाइटी लंडन रिटर्निंग इट्स बंगला टाइटल 1912 में टेगोर ने अपनी इस कविता संग्रह गीतांजलि को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जिसको इंडियन सोसाइटी लंदन द्वारा प्रकाशित किया गया इसके बंगला टाइटल के साथ कहने का तात्पर्य है कि इस कविता संग्रह का बंगला टाइटल गीतांजलि है और इंग्लिश टाइटल भी सेम है गीतांजलि नाम से ही ये बुक इंग्लिश में भी पब्लिश हुई और ट्रांसलेशंस जो हैं वो टेगोर ने खुद की हैं तो इस लिहाज से ये जो पोएम द हेवन ऑफ फ्रीडम है ये भी ओरिजिनली बंगला में लिखी गई लेकिन इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन टेगोर ने खुद किया और जैसा कि इस पोएम का पहला टाइटल प्रार्थना था तो रियली दिस पोएम इज़ देयर इन द फॉर्म ऑफ ए प्रेयर एक्चुअली दिस पोएम इज ए इन इज इज़ अ पोइट्स प्रेयर फॉर हिज कंट्री द इंडिया ऑफ प्री इंडिपेंडेंस टाइम्स ये कवि की प्रेयर है अपने देश के लिए देश वो आज़ादी से पहले के दिनों का भारत जैसा कि आप देख देख रहे हैं कि ये हमने अभी पढ़ा कि ये पोएम 1901 में पब्लिश हुई पहली बार जबकि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 सो प्री इंडिपेंडेंस जो आज़ादी से पहले का समय था उस वक्त किस तरह से पोइट के मन में एक इंटेंस डिजायर थी फॉर द फ्रीडम फॉर इज ओन कंट्री ही ड्रीम्स फॉर ए हेवन ऑफ फ्रीडम वो अपने देश के लिए हेवन ऑफ फ्रीडम का सपना देख रहा है पोइट तो ही इज प्रेइंग टू द गॉड टू मेक हिज कंट्री एवन ऑफ फ्रीडम तो इस पोएम में कवि ने हेवन ऑफ फ्रीडम में क्या क्या अच्छी बातें हो सकती हैं उन सब का जिक्र किया है और फिर पोएम जब वो क्लोजिंग नोट पे आती है तो उसमें वो अल्टीमेटली गॉड से अपनी प्रेयर क्लोज uh, करता है कि ही वांट्स टू हिज नेशन टू बी हेवन ऑफ फ्रीडम बट टूडे वी विल जस्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट थ्री लाइन्स ऑफ द पोएम दैट हाउ द पोएट इज पोर्ट्रेइंग or projecting the, the the land of his dreams, the heaven of his dreams, the heaven of freedom, use heaven of freedom, the poem begins where the mind is without fear. so in the very first line, in the very first clause, the poet is talking about a land, a nation, where. हिज़ कंट्री मैन वे आर द पीपल विल बी एबल टू लिव विदाउट एनी फीयर देर विल बी नो फीयर ऑफ एनी फोर्सड कंपल्शन देर विल बी नो फीयर ऑफ एनी एनी डोमिनस एनी क्रोएलिटी एनी एक्सप्लोइटेशन किसी तरह का कोई डर नहीं होगा क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में लोग uh, जो ब्रिटिश रूल था उसके डर उसके सोशन सोशन के डर में जी रहे थे एंड हेयर द पोएट इज ड्रीमिंग अबाउट ए हेवन ऑफ फ्रीडम वेयर देर विल बी नो फियर जहां पे कोई डर नहीं होगा द पीपल्स माइंड पीपल्स थाट्स पीपल्स आइडियाज विल बी फ़ियरलेस एंड द हेड इज हेल्ड हाई स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पे ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट दिख रहा है द हेड इज हेल्ड हाई ये बहुत कुछ सिमिलर है हम हिंदी में एक मुहावरा कहते हैं ना कि सर उठा के जियो सो द सेम इज हेयर कि द पोएट इज ड्रीमिंग अबाउट ए नेशन वेयर द पीपल विल लिव विद डिग्निटी सर उठा के जीने का मतलब होता है शान से जीना आत्म सम्मान से जीना तो आत्म सम्मान इज सेल्फ डिग्निटी सेल्फ स्टीम सो हेयर इन दिस फर्स्ट लाइन द पोएट इज टॉकिंग अबाउट two important features which should be there in a land where there will be the, the complete freedom will be there for the people in that very land the people will be fearless and secondly the people will live with self-dignity so in this way the poet is dreaming about the poet is praying praying the poet wishes for two important things fearlessness and self-dignity now let's move further where knowledge is free the next important thing which the poet wishes for his nation for his country is that that in that land in that free country the education should be free the education should not be restricted to the upper classes only it should be available for all so the poet talks about the free education, or in other words, we can say he is talking about the equality as far as the, the knowledge is concerned, the education is concerned. Then, in the third line, the poet says, Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls here the poet is talking about a global society, the entire world, the human society, that the human society or the global world should not be broken. broken ka matlab hota hai, hua, tutahua, bantahua, that the society, the entire world should not be broken into, should not be divided into. फ्रेगमेंट्स हाईलाइटेड वर्ड है आपकी स्क्रीन पे फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है पीसेज टुकड़े डिविजन्स सो हेयर ही द पोएट इज सेंग दैट द पोएट ही वॉन्ट्स दैट इन द देवन ऑफ फ्रीडम द सोसाइटी शुड नॉट बी डिवाइडेड इंटू फ्रेगमेंट्स सोसाइटी शुड नॉट बी डिवाइडेड इंटू

सम वॉल सॉरी रेक्टेड ओवर देअ वहाँ पर कुछ दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं तो वो जमीन का टुकड़ा वो ग्राउंड छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा सो इन द सेम वे हेयर द पोइट इज यूजिंग वॉल एज ए सिम्बल वॉल को वो एक प्रतीक के रूप में दे ले रहा है जो कि चीज़ों को बांटती हैं और डोमेस्टिक का मतलब घरेलू होमली नैरो इज फॉर स्मॉल शुद्र जो छोटे मोटे भेद हैं दे आर द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स अब वो छोटे मोटे भेद क्या हैं दोज आर द डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड कलर कम्युनिटी एंड रिलीजन धर्म जाति संप्रदाय रंग के आधार पे जो छोटे छोटे भेद हैं जो हमें टुकड़ों में बांटते हैं उनको पोइट कह रहा है Fragments by narrow domestic walls. So, here the poet is talking about unity. The third feature which he wishes for the heaven of freedom, which he wishes for his own country, is that there should be unity. The people, the society should not be divided on the basis of the discrimination of cult community, creed, religion or color. So students in this way in these first three lines the poet is talking about four important features of the heaven of freedom which he wishes for his own country. Students in pehli teen lines mein kavi ek heaven of freedom jo आज़ादी का स्वर्ग होगा उसके चार मुख्य पहचान बता रहा है जो कि वो सपना देखता है जो कि वो गॉड से प्रेयर करता है कि उसके नेशन में भी हो उसके देश में भी हो तो वो कवि की जो जो ड्रीम है जो इच्छा है जिन चार इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ के लिए चार इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग्स के लिए जो हेवन ऑफ फ्रीडम में होंगे वो पहला है फियरलेसनेस जहाँ पे किसी चीज़ का डर ना हो दूसरा है सेल्फ डिग्निटी आत्म सम्मान तीसरी चीज़ है फ्री एजुकेशन एजुकेशन पाने में किसी तरह का कोई भेद ना हो सब समान हो सब जगह इक्वालिटी हो तो इक्वालिटी की बात करता है समानता की बात करता है और लास्ट लाइन में पोएट यूनिटी की बात करता है एकता की बात करता है कि वहाँ पे किसी भी तरह के धर्म जाति और संप्रदाय के जो छोटे छोटे भेद हैं वो ना हो सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल इन ब्रीफ अबाउट द पोएट द पोएम एंड द फर्स्ट थ्री लाइन्स ऑफ दिस पोएम इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस poem which is a poet's prayer for his nation thank you